नमस्कार, आप देखें दिल्ली 99 और मैं चारू। पीएनबी के घोटाले के बाद से लोगों की नजर इस ओर पड़ी कि बैंकों के साथ भी बड़ा धोखा किया जा सकता है। पहले विजय माल्या और उसके बाद में नीरव मोदी, और अब आरटीआई के तहत एक खबर सामने आई है जिसके जवाब में आरबीआई ने ये बताया है कि पिछले 5 सालों में बैंकों से करीब 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक 23,000 बैंकों के साथ धोखाधड़ी के मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि आरटीआई के सूचना के अधिकार के तहत ये जवाब मांगा गया था, जिसमें आरबीआई ने बताया है कि 2017 से लेकर 1 मार्च 2018 तक करीब 5,152 बैंक धोखाधड़ी के मामले सामने आए हैं। इतना ही नहीं, 2016 से 2017 में ये आंकड़ा 5,000 से अधिक का था। पिछले 5 सालों में बैंक फ्रॉड की घटनाएं बढ़ी हैं और ये फ्रॉडी आखिर कहां गए हैं, इसका पता आज तक नहीं लग पाया। आपको बता दें, अगर आंकड़ों की बात करें तो केंद्रीय बैंक के अनुसार अप्रैल 2017 से 1 मार्च 2018 के दौरान करीब 28,459 करोड़ रुपए के बैंक के धोखाधड़ी के मामले सामने आए हैं। इतना ही नहीं, 2016 से 17 में 5,076 बैंकों के साथ धोखाधड़ी की गई है, जिसमें 23,933 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई है। वहीं अब 5 साल की बात करें तो 2013 से लेकर 1 मार्च 2018 तक लगभग 1,00,000 रुपए के 23,866 मामले बैंक धोखाधड़ी के रूप में सामने आए हैं। इतना ही नहीं, आरबीआई ने यह भी बताया है कि 2014 से लेकर 2015 तक करीब 19,455 करोड़ रुपए के 4,639 घोटाले पकड़े भी गए हैं। अब आगे इन पर क्या कार्रवाई होनी है और इन सारे घोटालों पे कितना पैसा जाया हुआ है, ये तो आरबीआई ही अच्छे से बता सकती है। लेकिन प्रशासन और आरबीआई जो भी नुकसान कर रही है या फिर जो जनता का पैसा जो भी उड़ा रही है, उसके बाद में आखिर जनता को क्या जवाब देगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सवालिया निशान बैंकों पर भी पड़ता है कि क्या लोन देने से पहले बैंक अच्छे से कस्टमर की जानकारी नहीं प्राप्त करता। बाकी खबरों के लिए आप सब्सक्राइब करिए दिल्ली 99।